सन ऑफ सरदार और जब तक है जहां के बीच जारी जंग में आ गया है एक नया ट्विस्ट। यशराज फिल्म्स पर सन ऑफ सरदार की रिलीज ब्लॉक करने का आरोप लगाने वाले अजय देवगन ने किया है एक नया ऐलान, और वो ऐलान ये है कि रिलीज के बाद भी अजय देवगन फिल्म्स जारी रखेगा अपनी जंग जब तक है उनकी जान में जान। जी हाँ, अजय देवगन फिल्म्स की तरफ से जारी एक ताजा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस दिवाली पर थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस में सन ऑफ सरदार के लिए जगह न छोड़ने पर यशराज फिल्म्स के साथ शुरू हुई उनकी कानूनी लड़ाई रिलीज के बाद भी जारी रहेगी। इस प्रेस रिलीज में द कॉम्पिटिशन एपलेट ट्रिब्यूनल के उस नोटिस का जिक्र भी है जो यशराज की एंटी कम्पिटिटिव एक्टिविटीज की इंक्वायरी के लिए रिसेंटली इश्यू किया गया है। लेकिन इस बीच यशराज की तरफ से सफाई आई थी कि उन्होंने एक था टाइगर दिखाने वाले 1407 सिंगल स्क्रीन्स में से सिर्फ 821 के साथ जब तक है जान के लिए टाई अप किया है, बाकी की स्क्रीन्स सन ऑफ सरदार के लिए फ्री हैं। यशराज के इसी स्टेटमेंट को पत्थर की लकीर मानकर अजय देवगन फिल्म्स अब उन बाकी के सभी सिंगल स्क्रीन्स को अप्रोच कर रहा है जो एक था टाइगर को दिखा चुके हैं। लेकिन अब यशराज के दावे के मुताबिक जब तक है जहां को स्क्रीन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अगर रिलीज के बाद भी यशराज के दिए हुए आंकड़ों में कोई अंतर मिलता है तो अजय ने इस कंडीशन में अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही अजय देवगन फिल्म्स की ओर से जारी प्रेस रिलीज में भी कहा गया है कि यशराज फिल्म्स के साथ उनकी ये लड़ाई सिर्फ सन ऑफ सरदार के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए है, जिससे आगे भी कभी कोई फिल्म कंपनी रॉब झाड़कर कंपटीशन में उतरने वाली फिल्म को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। वैसे जिस तरह यशराज फिल्म्स को जब तक है जान को धमाकेदार ओपनिंग देने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स में रिलीज करने का प्लान सन ऑफ सरदार के मेकर्स के लिए मुसीबत बन गया है, वैसे ही आमिर की तलाश भी अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 786 के लिए एक मुश्किल खड़ी करने जा रही है, क्योंकि सुनने में आया है कि तलाश के मेकर्स सिंगल स्क्रीन एग्जिबिटर्स पर अपनी फिल्म को लगातार 2 हफ्ते तक दिखाने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो 30 नवंबर को रिलीज होने वाली तलाश, 7 दिसंबर को रिलीज होने वाली अक्षय की फिल्म खिलाड़ी 786 के लिए वैसी ही ट्रबल बन जाएगी जैसे जब तक है जहां के 70% स्क्रीन्स पर कब्जा होने की वजह से सन ऑफ सरदार के साथ हो रहा है। ऐसे में रिलीज के बाद भी अजय का यशराज फिल्म्स के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने का ऐलान कितना सही है और कितना गलत, इसका अंदाजा तो फिल्म इंडस्ट्री के जानकार और आप दर्शक खुद ही लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।